LPG की कीमतों में इजाफे पर रक्षा यूनियन सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा, रक्षे खड़े करके सड़कें ब्लॉक कर दी। कीमतें कम ना करने की सूरत में मुलगीर एहतजाज की धमकी दे दी। ईद से पहले भी चोरियां, अब भी वही सूरत हाल। वापरा टाउन में वारदातें थम न सकी। 10 रोज में 5 घरों का सफाया, चोर लाखों की नकदी और सामान ले गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज, चोरी की एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पंजाब के पहले मरहले में 15 वस्ता, मियां महमूद-उर-रशीद को हाउसिंग, अलीम खान को बल्दियात, मियां असलम इकबाल को इतलात का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। डॉक्टर यास्मिन राशिद को वजीर सेहत, सप्तैन खान को जरा, जबकि समीउल्ला को चीफ वेब बनाया जा सकता है। हुसनैन बहादुर को वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान। राजा बशारत, राजा यासर, डॉक्टर मुराद रास, अजमल चीमा को भी वजारत मिल सकती है। मरकजी जमीयत अहले हदीस का सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। इलेक्शन में धांधली को बेनकाब करने के लिए पार्लिमानी कमीशन की तशकील का भी मुतालबा। आम इंतखाबात के नतायज इंजर्ड थे। सीनियर प्रोफेसर साजिद मीर का मरकजी मजलिस आमला में खिताब, हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीरे रेलवे के नए अफसरान की हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हफ्ते की छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक घंटा मजीद काम करेंगे, 130 दिनों में रेलवे को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। शेख रशीद का दावा, अभी बड़ी मछलियों पर हाथ डालेंगे। रेलवे के किराए बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया। शेख रशीद की रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आज करप्ट और झूठ बोलने वाले कामयाब हैं। जमात इस्लामी ने कभी ऐसा रास्ता नहीं अपनाया। इस्लाम फसाद फिल अर्ज की इजाजत नहीं देता। मुल्क में दीन इस्लाम के नफाज के लिए पुरअम तरीका अपनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का जमात के 77वें यौम तासीस से खिताब। फरीद पराचा बोले, धड़बंदी के बाद बहुत सी जमातें टूट चुकी, जमात इस्लामी आज भी मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली नदीम अब्बास बारा की मुलाकात। नए पाकिस्तान की ताबीर को अमली शक्ल देने के लिए मेहनत और जाफशानी से काम करना है। उस्मान बुज़दार, आपकी कयादत में सूबे से करप्शन का खात्मा और मेरिट का बोलबाला होगा। नदीम अब्बास बारा। हजात कराम की वापसी, PIA की खसूसी परवाजें कल से शुरू। लाहौर एयरपोर्ट पर पहली हज परवाज मंगल की सुबह 7 बजे उतरेगी। कौमी एयरलाइन के बाद अज हज ऑपरेशन के दौरान जद्दा और मदीना मुनवरा से 225 खसूसी और शेड्यूल परवाजें चलाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेयर लाहौर मुतहरक हो गए। मॉल रोड के बड़े हिस्से से बैनर्स उतार दिए गए, लेकिन मुकम्मल सफाया ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के करीब ही सियासी जमातों के बैनर्स ताहाल मौजूद। बत्ती चौक, मोहनी रोड, भाटी चौक में भी सियासी जमातों के फ्लैक्सेस देखी जा सकती हैं। पाक भारत आपी तनाजे, मुजाकरात कल होने का इम्कान। भारतीय वफ्द लाहौर पहुंचेगा। मुजाकरात में सिंतास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के लिए 26 खिलाड़ियों का ऐलान। खिलाड़ियों में फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, आसिफ अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, हसन अली, उस्मान शनवारी शामिल। मोहम्मद नवाज, अमाद वसीम, हारिस सुहेल, मोहम्मद हफीज, यासिर शाह, शाहीन शाह, अफरीदी, जुनेद खान को भी बुलावा। साहबजादा फरहान, शान मसूद, उस्मान सलाहुद्दीन, असद शफीक, बिलाल आसिफ, मोहम्मद असगर, राहत अली, मीर हमजा भी शरीक होंगे। ट्रेनिंग कैंप आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में लगाया जाएगा। ईद की छुट्टियां तो खत्म हुई, इतवार की छुट्टी है। लाहौर ये तफरी के लिए रावी किनारे निकल आए। ठंडी ठंडी हवा के साथ
कश्ती ईरानी से खूब लुत्फंदोज होते रहे। और सेनेटर आसिफ किरमानी के वालिद और तहरीके पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन सैयद अहमद सईद किरमानी वफात पा गए। मरहूम की उम्र 85 बरस थी, वो कुछ अरसे से अलीम थे।